मेकिंग फ्लो चार्ट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप ऑलवेज स्टार्ट इन ओवल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेप, LB initialize with 1, UB initialize with n, LOC initialize with 0, and mid initialize with lower bound plus upper bound divide by 2. Next step is loop, that is condition lower bound is less than equals to UB and LOC equals to 0. So दो केस होंगे यहां पे, ट्रू एंड फॉल्स। कंडीशन ट्रू होने पे फिर से इफ कंडीशन है, इफ एरे ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम। यहां पर फिर से ट्रू केस और ये है फॉल्स केस। ओके, जब कंडीशन ट्रू होगा तो उस केस में क्या होगा, ऑपरेशन है LOC को क्या असाइन करेंगे, मिड। ओके, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में क्या है, फिर से कंडीशन है कि क्या एरे ऑफ मिड लेस देन है आइटम से, क्या आइटम बड़ा है एरे ऑफ मिड से। ओके, तो फिर से दो केस है, ट्रू एंड फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो लोअर बाउंड है वो अपडेट हो जाएगा और हो जाएगा मिड प्लस वन। और अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या होगा, अपर बाउंड अपडेट हो जाएगा और उसे आप असाइन करेंगे मिड माइनस वन। ओके, तीनों ही केसेस में क्या होगा, यहां से भी कंट्रोल आएगा, ठीक है, यहां से भी आपका कंट्रोल और यहां से भी कंट्रोल, इस केस में भी और इस केस में भी, ठीक है। जो आपका लूप का लास्ट बेसिकली स्टेटमेंट है वो क्या है, लूप का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, मिड कैलकुलेट होगा फिर से LB प्लस UB डिवाइड बाय 2। ओके, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप फिर से कहां जाएंगे, लूप पर जाएंगे। ओके, तो कंट्रोल फिर से कहां जाएगा, लूप पर। ओके, नाउ जब लूप की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो उस केस में आप लूप से एग्जिट कर जाएंगे और फिर से क्या है, कंडीशन इज LOC इक्वल्स टू 0। तो फिर से आपके पास दो केस हैं, ट्रू फॉल्स। अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो उस केस में आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, तो ये राइट हो रहा है बेसिकली। क्या राइट करेंगे, राइट आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड। ओके, शॉर्ट में लिखा है आइटम नॉट फाउंड। ओके, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, इट मींस एलओसी जीरो नहीं है, सो क्या हुआ, प्रिंट और राइट आइटम फाउंड एट लोकेशन एलओसी। सो यहां एलओसी वैल्यू भी आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे।
और दोनों ही केसेस में आप नेक्स्ट कंट्रोल कहा जाएगा स्टॉप या एग्जिट की तरफ। सो इसका ये फ्लो चार्ट है, फिर से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं इसको। फर्स्ट स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, लूप के लिए कंडीशन, उसके बाद फिर से कंडीशन है कि क्या आपका आइटम एरे ऑफ मिड के इक्वेलेंट है। नहीं है तो उस केस में क्या होगा, फिर से आप क्या करेंगे, आइटम को मिड से कंपेयर करेंगे कि क्या वो उससे बड़ा है, और अगर वो इक्वेलेंट है तो उस केस में मिड किसे असाइन करेंगे, एलओसी को। ओके, एल्स केस में फिर से क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लोअर बाउंड अपडेट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो अपर बाउंड अपडेट होगा, और फिर से आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जो आपका लूप का लास्ट स्टेप है, मिड फिर से कैलकुलेट हो रहा है। ओके, और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, फिर से लूप पे। तो जब भी क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, आपका लूप फॉल्स होगा, और जब क्या होगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड अपडेट होंगे, और इस तरीके से आपकी वैल्यूज मिलेगी कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, रेंज को क्रॉस कर चुके हैं। इट मीन्स आपका आइटम आपके एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस एरे में। तो उस केस में ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो जब लूप फॉल्स होगा, उसके बाद सर्च सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो आपका केस है, कंडीशन है, क्या एलओसी अभी भी जीरो है। अगर कंडीशन ट्रू है इट मीन्स आपका आइटम फाइंड आउट नहीं हुआ, आइटम नॉट फाउंड प्रिंट होगा और स्टॉप, और अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, इट मीन्स एलओसी जीरो नहीं है। सो आइटम फाउंड एट लोकेशन एलओसी, और एलओसी की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद आप क्या होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके,